चलो ठीक है क्लास, तो फिर हम डिस्कस करेंगे आज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना है, समझे ना। देखो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, समझोगे तो आंसर लिखोगे, नहीं समझोगे तो आंसर नहीं लिखोगे, बस कमेंट खुजाते रह जाओगे, समझे ना। सो इम्पोर्टेंट ये रखता है कि हम उसको समझे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, समझे ना। देखो यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है विज्ञापन, विज्ञापन इसको हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में विज्ञापन, विज्ञापन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ठीक है ना, उसके नीचे ओके। ठीक है क्लास, तो क्या बोलते हैं इसको विज्ञापन, किसमें बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो थोड़ा समझाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, फिर हम बात करेंगे इसके टाइप्स पे, कैसे कैसे टाइप्स पे आता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तुमने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, है ना, टीवी में देखा है, रेडियो में सुना है, अपने फोन पर देखते हो और यूट्यूब में देखते हो। ठीक है, है ना, प्रचार नाम सुना है ना, प्रचार नाम सुने हो ना, तो प्रचार को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, किसी भी चीज का बिना एडवर्टाइजमेंट किए वो मार्केट में नहीं बिकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू एडवर्टाइज दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट बाय थ्रू द सोशल मीडिया और एनी प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टा, एनीथिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, प्रचार हो गया, क्या हो गया, प्रचार। किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, नहीं करेंगे तो लोगों तक पता ही नहीं चलेगा और फिर वो सामान वहीं का वहीं रखा रह जाएगा। हमने बनाया एक बहुत अच्छा पेन, हम लोगों को बताएंगे ही नहीं कि मैंने पेन बनाया है, तो लोग कैसे पता चलेगा, क्या वो सुन लेगा, अरे पेन नया बन गया चलो, है ना। जैसे ही कुछ नया क्रिएट होता है, तुम देखते हो अमिताभ बच्चन, एम एस धोनी या फिर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को लोग हायर करते हैं, कंपनी वाले हायर करते हैं ना। जैसे मान लो कि अभी एक नया फोन आया, सपोज करो कि MI का फोन नया वाला आया, ठीक है, ठीक है, तो अब उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तब वही शाहिद कपूर को बुलाएगा या फिर किसी बड़े से एक्टर को बुलाएगा और वो उस फोन को दिखाएगा, है ना, या फिर आमिर खान को बुलाएगा, उस फोन से फोटो क्लिक करेगा, उसका प्रचार लेगा, तब बोलेगा हाँ ये ऐसा फोन है, अरे इतना बढ़िया फोन है, कब निकला ये, है ना, तब पेपर में छप जाता है, फिर सब तक पहुंच जाता है, फिर उन्होंने मार्केट में से ढूंढने जाते हैं। ओके, तो जितने भी एक्टर को तुम देखते हो एडवर्टाइज प्रचार करते हुए, चॉकलेट का, बिस्कुट का, उसको पैसा मिलता है, एक 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 एक्टर को 2 करोड़ 5 करोड़ मिलता है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, समझा ना। जैसे तुमने किसी का एडवर्टाइजमेंट देखा है अभी तक, जैसे नाम बताओ क्या, किसी भी एक्टर का एडवर्टाइजमेंट अभी तुमने देखा है अभी तक, किसका, अमिताभ बच्चन को तेल लगाता है, हमें भी लगाना चाहिए, तो लोग खरीदने के लिए जाता है, उससे उसकी बिक्री बढ़ती है, बिक्री बढ़ता है तो कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, तो वो क्या हुआ एडवर्टाइजमेंट, क्या हुआ वो एडवर्टाइजमेंट, तो वो हर एक साइड में छोड़ देता है, जितने भी हमारे यहाँ साइड साइड प्रेजेंट है सब साइड में वो छोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। कोई कोई मैक से करता है, ठीक है, कोई बुक में लिख देता है, कोई दीवारों में चिपका देता है, कोई दीवारों में लिख देता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कितना टाइप का हो सकता है, ठीक है, कितना तरह का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, जरा हम उसको देखेंगे। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बोलो मिस्टर, देखो अब इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम लिखा रहे हैं, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, इसका डेफिनेशन लिखिए, ठीक है,
ठीक है। देखो यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा क्या है? एन एडवर्टाइजमेंट इज ए मैसेज कैरिड इन वन ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रेडियो एंड टीवी एंड द पोस्टर्स एंड नियॉन साइंस दैट वी सी इन मार्केट प्लेसेस। ठीक है, इतना ही प्रचार होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट क्या है कि वो एक मैसेज है, एक तरह का मैसेज है। ठीक है, उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, एक से बहुत जगह तक पहुंचाते हैं और कई तरह के सिचुएशंस में, कई तरह के रूपों में और कई तरह के रास्ते से पहुंचाते हैं। जैसे मीडिया हो गया, मीडिया में आएगा तुम्हारा बहुत सारा चीज, जैसे जितना नाम लिएगा व्हाट्सएप आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, एक रिपोर्ट आ जाएगा, न्यूज आ जाएगा, उसी में न्यूज पेपर जो की सुबह से हम लोग को मिलता है, उससे भी पता चल गया हम लोग की हमारे वर्ल्ड में क्या घटा, क्या कुछ नया बना, सब पता चल गया। मैगजीन पढ़ते हो ना? हाँ, यहाँ पे मैगजीन किसको बोलते हैं? मैगजीन का मतलब होता है चित्र वाली किताब, मतलब उसमें चित्र भी मारा रहता है और ढेर सारा लिखा भी रहता है, उसको बोलते हैं मैगजीन। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे रेडियो तो पता ही, एंड टीवी, इससे पता चलता है। एडवर्टाइजमेंट पोस्टर समझते हो? पोस्टर का मतलब वही जो लोग लिख करके कहीं कोलकाता में या फिर गली में चिपका दिया है ना, बड़ा बड़ा पोस्टर बना करके। नियॉन साइंस का मतलब हो जाता है कि कुछ सिंबल बना देना, सिंबल देखा होगा, जैसे एग्जांपल पे तुम अगर स्टेडियम के बाहर जाओगे ना तो एक चित्र बना रहता है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई इस तरह से बल्ला पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वो सारा खेल खेला जाता है ना, नियॉन साइन। ठीक है, कहीं पर देखा होगा मीन्स वो सिगरेट का निशान रहता है, फिर इसमें कट लगा रहता है, है ना, उसका मतलब क्या हुआ? कहीं पर लिखा रहता है कार बना हुआ रहेगा, अरे कट क्या होगा, इसका मतलब वहां कार पार्किंग नहीं करना है, समझे? ठीक है, तो वो सब सिंगल ढेर सा उसमें सिंपल सा रहता है। ठीक है, उसको नियॉन साइन बोला जाता है, दैट वी सीन इन द मार्केट प्लेस, और भी हमें बहुत सारा जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके। एडवर्टाइजमेंट बड़ा सुन रहे हैं नाम एडवर्टाइजमेंट, क्या इससे होता है, क्या फायदा है, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है एडवर्टाइजमेंट? फालतू का पैसा वैसा खर्च करना, लोगों को ऐसा लोगों से बुलाना, ऐसा वैसा, मतलब कि क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? जो जैसे पीछे लोग भागता है, जो दिखता है वही बिकता है, समझे, है ना। तो तुम जितना ज्यादा एडवर्टाइज करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा पॉपुलर चलेगा। ठीक है, आज का जमाना क्या है, तुम जितना ज्यादा हाई फाई में रहोगे, भले काम छोटा है, ऊंची दुकान फीकी पकवान बड़ा सिस्टम आजकल है, समझे, तुम दुकान ऊंचा रखो, पकवान चाहे कितना ही बकवास हो उससे मतलब नहीं, दुकान हाई फाई होना चाहिए। देखो लोग फर्क कैसे आता है, रेट एकदम 500 से ऊपर, उसे नीचे नहीं, भले तुम कैसे भी कुछ खिला दो लेकिन लोग आएगा, है ना, वो इस स्टैंडर्ड को देखता है और चेयर पे बैठता है, थोड़ा इधर उधर देखे, अरे वाह वाकई अच्छा जगह बैठे, चाय भी देखता है, समझे, पकवान से मतलब नहीं है। तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, अगर पकवान खराब है ना नहीं कुछ बोल पाओगे, है ना, तुम ये सोचोगे शायद हो सकता है कि यहाँ का चाय का टेस्ट ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन तुमको उससे बढ़िया टेस्ट तो कहाँ मिल जाएगा, चौक में छोटे छोटे दुकान में। ठीक है, कपड़े तुम गोड्डा जाओगे ना तो कपड़ा तुमको एक से एक मिलेगा, वो रोड साइड में, अब वही सब कपड़ा सबको लोग क्या करता है, पैकिंग करके दुकान ले जाता है, उसी का दाम तीन गुना बढ़ा देता है। ठीक है, 5-10-15 तुमको डब्बा में भरकर रखा है, इतना सारा खुलना पड़ रहा है, वाह महंगा होगा, अच्छा तुम्हें क्या सीधा कपड़ा निकाल, अरे ऐसे उठाया लाया होगा, कहीं डिफरेंस कुछ नहीं, हमने देखा है। ओके, एक बार हम पैंट खरीदने के लिए गए थे इधर दुकान में, तो उसी पैंट का दाम था यहाँ पे 900, जब हम गोटा गए तो बोला कि 400, वही सेम, वही चीज सेम, तुमको समझ में आया कि नहीं, इधर पे मैटर है इसमें, एक रुपये 4-5-4-4 ही। ठीक है, वही होता है कि चलो, तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट करना होता है, क्या करना होता है, एडवर्टाइज जितना तुम प्रचार जितना भी आदमी के दिमाग में भरोगे उतना ज्यादा ये फैलेगा। ठीक है, जैसे एक पेप्सोडेंट बंद हो गया, क्यों, उसका प्रचार ही खत्म कर दिया, कोलगेट भी बंद होने वाला था लेकिन बीच बीच में कभी प्रचार दे देता है, कोलगेट हाँ, एक नया नया निकालता है प्रचार करने का,
दो को व्हाइट वाला निकालेगा, ऐसे तोड़ देगा डाबर उस तरीके वाला दांत मजबूत होता है, काम नहीं होता सिर्फ। तो इसे एक तरीका है लोगों को लुभाने का, तो एडवर्टाइजमेंट है। पर्पस क्या है, उसका इरादा क्या है? पर्पस मतलब होता है इरादा। क्या होता है इरादा? एडवर्टाइजमेंट प्रचार करने का इरादा क्या है? प्रचार करने का यही इरादा है कि जो भी उसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उसके पास हमेशा के लिए बिकेगा, कभी खत्म नहीं होगा। प्रचार बिकेगा ना, कल ही खत्म हो जाएगा, लोग कल ही बोल जाएगा, समझा? आजकल ऐसे होता है, नहीं देखते हो जियो का? चार दिन पहले से बोलेगा खत्म होने वाला है, आपको पहले नोटिस देते रहे, याद करवा दिया, तो भूल जाओगे। छोड़ो कौन देखा है, उसको तरीका है, उसको आइडियाज है, समझे ना? तो वैसे ही पर्पस क्या है हमारा, मोस्ट एडवर्टाइजमेंट इज टू परस्यूड ए पार्टिकुलर ऑडियंस और ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट, है ना? ये क्या करती है, परस्यूड करती है, मतलब उसको धक्का देती है, उसको बार बार तो उत्तेजित करती है कि तुमको खरीदो, है ना? क्या खरीदो? प्रोडक्ट खरीदो। तो प्रोडक्ट लाइफबॉय हो गया, डेटॉल हो गया, जितना भी चीज तुमको दिखता है सबका एडवर्टाइजमेंट आता है। जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो बिकता ही नहीं है, ठीक है? अभी लेजर कुरकुरे बहुत कम हो गया है ना, उसी को थोड़ा डिजाइन किया कि लोग बोर हो गया था तो उसको थोड़ा डिजाइन किया, एक अलग तरीका बनाया, टोमेटो में लेकर आ गया, चिली में लेकर के आ गया, थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया उसको, है ना? तो ऐसे ही लोग बदलते रहता है, कुछ अपडेट करते रहता है। सर्विस ऑफर्ड बाय एडवर्टाइजर, तो क्या करता है कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है, ये लोगों को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उत्तेजित करता है, है ना? उस तक ये पहुंचाता है कि देखो ऐसा ऐसा मार्केट में चीज आया है, तो उसे खरीदोगे तुम्हें ये फायदा मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, है ना? तब तुम उसको खरीदते हो, और हमें पता ही नहीं रहेगा तुम खरीदेंगे कैसे, खरीदेंगे उसको नहीं ना? कभी कभी बाइक्स को ठीक करने जैसे कि तुम्हारा बुलेट हो गया या फिर और बड़े बड़े बाइक्स, है ना, जैसे BMW हो गया, तो दोनों को रेस करवाता है, अरे लोग देखता है कौन जीतेगा, BMW जीत गया, नहीं BMW बहुत ताकतवर गाड़ी है, उसी खरीदेंगे लोग, उसको खरीदने लगते, उसकी बिक्री बढ़ गई, समझे ना? तो आज ऐसा है, तो कंपेयर अगर नहीं करेगा तो फिर जो हम लोग खरीदने वाले हैं, हम लोग क्या पता किस पे कितना ताकत है, तो लोग उसको देखता है, जिसमें ज्यादा ताकत हुआ उसको खरीद लिया, तो ऐसा होता है। सीमेंट में अंबुजा सीमेंट टूटेगी कैसे, है ना? किससे बना हुआ है? अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, नहीं नहीं देखा है प्रचार को, एकदम बड़ा सा लाता है लकड़ी से तोड़ रहा है, तो टूट भी नहीं करता है, ड्रामा है कि दिखाया है, उतना उसको देखा नहीं टूटा, इसका मतलब मेरा नहीं टूटेगा, तो लोग उसको खरीदेगा, सीधा जाएगा दुकान, भाई वो सीमेंट है क्या, पूछता डायरेक्ट पूछता है। तुमने कभी देखा होगा कि किसी किसी एडवर्टाइजमेंट में, और तुमने जाकर वही मांगा होगा, अरे मैंने वो देखा तो बोला नहीं ये तो नहीं आया है, नेट पे आया होगा, छोड़ दो प्रचार मोगिया मोगिया स्टील स्टील का बादशाह, है ना? तो वैसे ही, तो जैसे लोग अभी तो मोना स्टील का बादशाह लोग सुनते हैं, बाबू स्टील का बादशाह है, कुछ करना चाहिए। जैसे लुभाने का एक तरीका है, एक एक से तुमको अलग अलग चीजें तुमको लुभाने के लिए मिलेंगे। तुम जब एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, इसमें बहुत खर्चा होता है, लेकिन जब बन जाता है तो लोग उसको उतना खरीद भी लेते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं करेगा तो फिर लोग भूल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं, उसको बीच बीच में उसको लाते रहता है, अलग अलग एक्टर से, अलग अलग एक्ट्रेस से, अलग अलग जो खिलाड़ी है स्पोर्ट्स है वो सबसे उसको बीच में लाते रहता है। ओके, समझे ना? तो पर्पज क्या है इसका, पर्पज इसका यही है कि जो भी चीज हमारे पास बनी है उसको सेल करना है, और जो भी लोग हैं उसको वो खरीदेंगे, उसको खरीदने का सबसे बड़ा इसका पर्पज होता है, समझे ना? तो क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, क्या बोला जाता है, चाहे कोचिंग हो, स्कूल्स हो, हर कोई अपना ट्राई करवाता है, हर कोई गली गली पोस्टर लगाता है, बड़े बड़े गाड़ी से माइक करवाता है, ना? तभी लोग को पता चलेगा वहां ये स्कूल है, वहां ये कोचिंग है, समझे? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समझ में आया, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इसका क्या वैल्यू, इसका क्या पर्पस है, है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो आगे देखते हैं कि और हमें क्या इसमें मिल सकता है, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं थोड़ा इसका कुछ पर्पस देख लेते हैं, ठीक है, कि और क्या क्या पर्पस से लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है? तो पर्पस देखेंगे, भाई ऐसा लास्ट
तो एडवर्टाइजमेंट का जो पर्पज है, सबसे पहला पर्पज होता है उसका कमर्शियल में, किसमें जाएगा कमर्शियल। कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल का मतलब बिजनेस के लिए, लोग अपने फैक्ट्रीज, अपने इंडस्ट्रीज, अपने प्रोडक्ट या फिर जो भी उसने कुछ नया बनाया है ना, वो सबको फैलाने के लिए, हर जगह फैलाने के लिए वो सहारा लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का। आज अंदर कंट्री में क्या हो रहा है या फिर अदर कंट्री में कौन सा नया कमर्शियल सिस्टम बना, किससे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट से। कौन सी नई फैक्ट्री बनी, किससे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट से, है ना। तो ये पहला इसका यूज है कमर्शियल, ठीक है, ओके। दूसरा क्या आता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या आएगा? सरकार। सरकार बनती है, सरकार खत्म हो जाती है या फिर सरकार नहीं बनती, या फिर सरकार ने कौन सा नया स्कीम लॉन्च किया, कैसे पता चला आपको? क्या पूछ रहे सरकार नया क्या लॉन्च किया है? कैसे बात चलता है हम लोगों को? तुरंत कुछ ही सेकंड्स में कुछ भी वो बोलती है तो हम तक पहुंच जाता है। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता हम तक पहुंचता? सरकार ने क्या किया नहीं किया पता भी नहीं चलता, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तुरंत पता चलता है वो क्या बोला, फटाक से पहुंच गया, सुन लिया क्या बोला वो, है ना। तो गवर्नमेंट भी इसका सहारा लेती है, क्योंकि जब वो कुछ नया स्कीम लॉन्च करती है तो फिर पूरी जनता को कैसे पता चलेगा? तो वो भी देखते ना, बड़ा सा टीवी वाला गाड़ी जगह जगह घुमाता है, एक वो हो गया प्रचार के द्वारा, पेपर के द्वारा, न्यूज के द्वारा, टीवी के द्वारा, सब पता चलता है। देखो ये न्यूज है, हमने ये बनाया है, तुम उसको देखो और समझो, है ना। सबको जागरूक करने के लिए वो क्या करती है, जगह जगह पोस्टर लगा देती है, ठीक है, हर जगह, ताकि सब समझ ले कि सरकार ने ये लॉन्च किया है, है ना। अगर नहीं होता तो पता चलता? ओके, नेक्स्ट आता है सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब कि समाज, समाज के सुधारक के जो जितने इंस्टीट्यूट बनते हैं, जैसे मान लो कि कहीं बड़ा महिला समाज सुधार, है ना, या फिर कहीं पर जो छोटी छोटी बच्चियां होती है उनके लिए कुछ नया स्कूल बना, जैसे कि ये कौन सा नाम है, कस्तूरबा गांधी, है ना, जहाँ पर सिर्फ लेडीज, मतलब कि सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ऐसा स्कूल बना, या फिर महिलाओं के लिए कुछ सुधार हो रहा है, या फिर समाज में कुछ नया चीज बनने जा रहा है, जैसे कि लोगों का कल्याण हो, है ना। तो वो सब जब बनता है तो कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट से। आज महिलाओं ने ढेर सारा चीज बनाया गया है तो कैसे पता चला? एडवर्टाइजमेंट से, है ना। तो ये सब चीजें होती है, अगर ये सब नहीं होता तो लोग काफी ज्यादा परेशानी होती है। एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल इजी हो गया है, और फिर लोग आराम से अपना काम भी कर रहे हैं, लोग अपना आराम से सर्विस को निकाल भी रहे हैं और इससे अर्निंग भी करते हैं, है ना। अर्निंग इससे बहुत होती है। अगर किसी भी एक्टर को 2 करोड़ दिया है और अगर 2 करोड़ आदमी ने उसको देखा है, पक्का है कि 5 करोड़ लोग सामान खरीदेगा। तुम खरीद के लाओगे तो एक चीज वो देख रहे कहां से, बहुत अच्छा चीज कहां से लाया, उस दुकान से लाया, तुम भी वहीं जाओगे, है ना, तुम उसको खरीदोगे, तुम खरीद के लाया, तुम्हारा दोस्त है वो देखेगा तुम कहां से लाए, वहीं से लाए, वो भी जाएगा। ऐसे करते करते ये बढ़ता है और देख करके भी बढ़ता है। हम लोग को भले ही पता नहीं होता है, उससे बता देते अरे वहां जाना मिल जाएगा, लेकिन तुम ही नहीं जानते कि तुम उसका प्रचार कर रहे हो, ठीक है, कि तुम वहां जाओ तो वहां मिल जाएगा, समझे। तुमसे पूछा जाए अरे कौन से दुकान का नाश्ता सबसे बढ़िया है, तुम किसका नाम लोगे? अपने एरिया में किसी का नाम लोगे ना तुम? तुम दूसरा सुना सही है, अच्छा है क्या, कल चलते हैं, तुम कल जाओगे, तुम खाओगे, तुमको अच्छा लगेगा, तुम दूसरे को बोले वाह वहां का नाश्ता बहुत अच्छा, उसको दूसरा कोई सुन लिया हो तो फिर वही जाएगा। हाँ वो भी वही जाएगा। तो हो रहा है ना एडवर्टाइजिंग, सब समझ लगे सुनिए सिस्टम। ओके, तुमसे पूछा जाए अच्छा ये बताओ कि सबसे बढ़िया कौन से कंपनी का कोलगेट अच्छा लगता है, है ना, होता है ना, तो उसका तो नाम है, मान लो कि सॉरी कहने से गलती हो गया, हम ये पूछेंगे कि टूथपेस्ट, है ना, कि कौन से कंपनी का टूथपेस्ट तुमको सबसे अच्छा लगता है, है ना। ढेर सारा लाल दंतमंजन है, डाबर दंतमंजन है, पतंजलि है, तुम बोलोगे सर कोलगेट अच्छा, क्यों क्यों अच्छा लगता है, तुम बोलेगा सर उसमें क्रिस्टल सब रहता है, ये वो ये नहीं, दूसरा सुनेगा हम भी वही करते हैं,
तो आज तुम देखोगे तो घर घर कोलगेट यूज करता है, ये सब सिस्टम है। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट है जिससे कि वो अर्निंग करता है, समझे। अब जितना हम लिखा है उसको अच्छे से देखो, पांच मिनट तक कहीं प्रॉब्लम है तो बताना, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। इसका टाइप्स बताएंगे, इसका टाइप्स क्या होता है, समझे। चेक करो उसको अच्छे से।